बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। बहुत ही मज़े की आलू गोभी की सब्ज़ी आपके लिए बनाने जा रहा हूं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी लुक है। ये मैं आपको बनाना सिखा दूँगा जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करना। तो माशाल्लाह से हमारे पास है 1 kg गोभी, जिसको काट के अच्छे से धो के रखा हुआ है मैंने, और साथ है 1/2 kg आलू। इसके अलावा 2 प्याज है नॉर्मल साइज़ के, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, हरा धनिया और कुछ खुश्क मसाले बाद में ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई को हम रखेंगे गैस पे और 1/2 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का। और ये 2 छोटे साइज़ के प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं और इन प्याज को हम करेंगे यहाँ पे फ्राई और लाइट ब्राउन कलर लेके आएंगे। प्याज को फ्राई होने में कोई 5 से 6 मिनट लग ही जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच, और इसको भी मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाऊँगा। तो ये देखें बहुत अच्छे से ये दोनों चीज़ें पक चुकी हैं। और यहीं पे अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगा। मैंने 1 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, और इसको भी इसमें हम पकाएंगे बहुत लाइट, मतलब मीडियम आंच के ऊपर आप इसे पकाया करें। ज़्यादा आंच पे मसाला जल जाता है, टेस्ट नहीं आता। 1 चम्मच पूरा जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और ये मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच नमक का, और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग के मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ मसाले हम एंड पे डालेंगे। अब हम मसाले को कम 5 से 6 मिनट अच्छे से भुनेंगे, कोई जल्दी नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ ये काम किया करें। ये देखिए आप कितना अच्छा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें जाएंगे 1/2 kg आलू, और यहीं पर हम इसमें गोभी भी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत गोभी आ रही है आजकल। गोभी के अंदर एक गिरी होती है इसके जड़ के अंदर, मुझे वो बहुत मज़े की लगती है। क्या आपने भी कभी वो अलग से खाई है? खाई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस मसाले में इसको हम कर देंगे मिक्स, और ये देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे ही 2 से 4 मिनट भुनेंगे इसी मसाले के अंदर, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होगा, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के, ये देखें, और हम इसको पकाएंगे 12 से 13 मिनट। इतनी देर में ये गल जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी गोभी जो है वो अच्छे से गल चुकी है, और आलू भी ऑलमोस्ट डन है, और खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की आना शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पे इसमें मैं दूसरे मसाले ऐड करने लगा हूँ, और ये जाएगा 1/2 चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा जाएगा। यहाँ पे आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं 2 से 3 चुटकी, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रहा, और लेमन भी ऐड किया जा सकता है। तो ये जो खुश्क धनिया पाउडर है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आप खुद ही घर पर बनाया करें, मार्केट से लेके आया करें, वो पाउडर मसाले मार्केट से बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते। हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर, और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है वो डन है। इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और अब मैं लेता हूँ एक बॉल को, और अपने खूबसूरत से चम्मच के साथ इसके अंदर डालेंगे। तो अपने बर्तनों से, अपनी चीज़ों से मोहब्बत किया करें। किचन में जब भी जाएं, बिस्मिल्लाह करके बड़ी मोहब्बत के साथ अगर आप खाना बनाएंगे तो यकीन करिए ऐसा ही खूबसूरत आपका खाना बनेगा। अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ़ें देखें, उन अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाज़ा है। कितनी मज़ेदार और शानदार आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो तैयार है। तो इसको पराठे के साथ खाइए, सादा चपाती के साथ खाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए, कोई कमेंट हो मुझसे ज़रूर पूछें कोई सवाल, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़ को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।